नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पिघलेगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ। इंडियन कोस्ट गार्ड और पाक मरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बीच होगी बैठक। 15 अप्रैल को भारत में हो सकती है बैठक। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में फिर एक भारतीय हुआ नस्लीय हमले का शिकार। रेस्तरां में 5 लोगों ने भारतीय के साथ की मारपीट, कहा यू ब्लैक इंडियंस। अमेरिकी राष्ट्रपति पद से कट सकता है डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता। सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा चुनाव के दौरान रूस से संबंधों की पुष्टि पर छोड़ना पड़ेगा पद। ट्रंप की टीम पर लगा है चुनाव को बाधित करने का आरोप। लंदन हमले के हमलावर खालिद मसूद को लेकर खुलासा। कट्टर इस्लामिक रवैये को लेकर बेटी ने किया था विरोध। बुर्का पहनने के आदेश को बेटी ने किया था इनकार। काले धन पर भारत की कोशिशों को लग सकता है झटका। शर्त मानने पर ही काले धन वालों की सूची देने के लिए स्विट्जरलैंड तैयार, कहा ना भंग हो गोपनीयता। चीन के यांगबी काउंटी में 5.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से ढहे कई मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान ने 15 अमेरिकी कंपनियों पर लगाई पाबंदी। प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी पर भी लगाया प्रतिबंध। आतंकवाद का समर्थन करने का लगाया आरोप। और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान डेबी की चेतावनी जारी। तूफान से पहले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अलर्ट के बाद स्कूलों और कई संस्थानों को बंद करने का आदेश। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।